News 18 India। हेलो। हाँ जी कौन बोल रहा है? हाँ जी अर्श डाला जी, कैसे हो जी? जी मैं बढ़िया। अर्श डाला, ये बताइए, ये कनाडा में अभी आपके एक सहयोगी था सुखा दुनी के, जिसकी हत्या हुई थी और इसकी जिम्मेदारी लॉरेन बिश्नोई गैंग ने ली थी, गोल्डी बरार ने, इस पर क्या कहना है आपका? ये तो जी जिम्मेवारी लेने को छोड़ते नहीं, एक तरफ जग्गू ले रहा है, एक तरफ ये तो बच्चों की तरह करने लग जाते हैं। जैसे गाय कंट्रोवर्सी करते हैं, वैसे ये कंट्रोवर्सी मर्डर में भी करने लग गए। पहली बार देखा ये सब चलता हुआ। लेकिन हत्या तो इन लोगों ने कराई है। बाकी जी पता नहीं इन्होंने करवाई है, अगर इन्होंने करवाई भी, जिसने भी किया उसको उसका बनता हुआ मिलेगा। भाई था मेरा, वो भाई रहेगा। कई लोग कह रहे थे कि पोस्ट नहीं डाली उसके लिए, आज डाली है पोस्ट, इनका एक मार्कर डाली है, मारा भी उसको है जो इनका भगौड़ा था। किसको मारा है? इनका भगौड़ा था राजन, ठीक है, जिसने लक्ष्मण दिवासी का मर्डर करा था राजस्थान में, उसको उसकी ठहर से ढूंढ कर उठाकर मारा है। और ये एक 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 तस्वीर भी आई है सामने पंजाब पुलिस के जरिए, जिसमें उसकी बॉडी जला दी गई है, वो आप लोगों ने करा हत्याकांड? हाँ जी हमने ही करा है जी। ये लॉरेन बिश्नोई सजा दी, लॉरेन बिश्नोई गैंग का ये वो था शूटर, लॉरेन बिश्नोई का शूटर था, विष्णु का शूटर था, इसने लक्ष्मण दिवासी का मर्डर किया था राजस्थान संचोर में। ये अर्श डल्ला आपके ऊपर आरोप लगते हैं, आप खालिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और आपके पाकिस्तान ISI के साथ संपर्क है, क्या कहना है इस पे? मेरा तो जी किसी के साथ संपर्क नहीं है, मैंने कौन सा काम करवा दिया ऐसा जिससे लगे कि मैंने कुछ हिंदू के खिलाफ गया हूँ या किसी कम्युनिटी के खिलाफ गया हूँ, ये तो बिना बात के बनाई जा रही। नहीं, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने अर्श डल्ला के आपके दो सहयोगी पकड़े थे और उन्होंने एक हिंदू शख्स की गला रेत के हत्या की वीडियो पाकिस्तान भेजा, बकायदा चार्जशीट है, और उन्होंने कबूल किया था कि अर्श डल्ला के कहने पर ये सब किया हम लोगों ने। मेरी तो ना उनसे कभी बात भी नहीं हुई है, केस डाल दिया इन्होंने, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, केस तो डाला ही है, पर मैं अपनी तरफ से बात बता रहा हूँ कि मेरी उनसे कभी बात नहीं है और ना उस मर्डर के बारे में मुझे 0% भी नॉलेज नहीं है। ये गोल्डी बरार लॉरेन बिश्नोई गैंग आप लोगों को टारगेट कर रहा है लगातार, और उन्होंने कहा है कि अगला नंबर अर्श डल्ला का है। अब देखो जी हम तो नहीं बोलते किसका अगला नंबर है, ये बात बोल रहे हैं, ये यमुना किनारे फेंका है, आगे वाले यमुना के अंदर फेंकेंगे काट कर, इसको तो जलाया है बस सिर में गोलियां मारकर। ये बताइए अर्श डल्ला की ये बम्बैया गैंग की कमान कौन संभाल रहा है अभी, लकी पटियाल के पास है या आप इसकी गैंग के मुखिया कौन है इस समय, बम्बैया गैंग को कौन लीड कर रहा है? अरे जी हमारे मुखिया नहीं होते, हमारे तो भाई होते हैं, लक्की भी भाई है, कमान कोई नहीं संभाल रहा, सबका अपना अपना है, जो भी लगे हुए हैं कोई बात नहीं, इनको खत्म करेंगे। ये पता क्या है, जो ये फुकरी मारते हैं कि 5000+ केस बार ऐसा है वैसे, हमारे पास ऐसी फुकरियां तो मारनी नहीं आती, पर एक बात बताते हैं, जितने भाई हैं ना इनको बताएंगे कि दुश्मनी क्या होती है और कैसे डलती है। अर्श डल्ला ये बताइए, जो सिद्धू मूसेवाला थे सिंगर थे जिनकी हत्या हुई थी, उनका जो मैनेजर था शगुन प्रीत, अभी उसके गुर्गे पकड़े थे पंजाब पुलिस ने और ये आरोप लगा था कि बम्बैया गैंग को शगुन प्रीत लीड कर रहा है अब ऑस्ट्रेलिया से बैठ के, तो आपके शगुन प्रीत से भी ताल्लुकात हैं? नहीं जी मेरे तो नहीं है, मुझे तो कुछ पता नहीं, उसको तो बेचारे को वैसे ही मार दिया, हमने मर्डर किए हैं, काफ़ी मर्डर किए हैं, मैंने भी 2-2 आदमी भेज कर करवाए हैं, ये पहला मर्डर है जिसमें 3 आदमी भेजे, वो भी इसको इसके घर से उठाए ठहरते, इसलिए 3 आदमी भेजने पड़े, आदमी को उठाकर लाना था, इन्होंने 8 आदमी भेजकर एक आदमी को मारा, कौन सी मर्दों वाली बात है, 1-2 के साथ तो लड़ लेगा, 1-8 के साथ कैसे लड़ेगा भाई। अर्श डल्ला ये बताइए कि आप भारत की एजेंसी के सामने सरेंडर करेंगे, आप कनाडा में इस वक्त जानकारी मिल रही है और लगातार आपको आतंकी भी घोषित किया गया है? ये जी कर रहे हैं कुछ, कोई बात नहीं, करने तो मैं तो रोक नहीं सकता, ना तो मैं आज सरेंडर करूंगा ना कल सरेंडर करूंगा, ना मैं सरेंडर करने के लिए बना हूं। तो क्या टारगेट है आप लोगों के, आपका एक बहुत बड़ा साथी जो उसको मारा गया सुखा दुनी के? हमें जी फुकरियां नहीं मारनी आती, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये फुकरे ठीक है, जो करेंगे ना ये भी हमने कहकर नहीं मारा, ये बोल रहे हैं सलमान खान को मारना है, ऐसा करना है वैसा करना है, पहले मार देते, मूसे वाले को नहीं बताया कि उसको मारना है, जिसको मारना होता है उसके वो तो बताते नहीं है ना, ये वो तो हाइप ले रहे हैं, ये किसके बारे में आप खुल के बताइए, किसको टारगेट कर रहे हैं आप लोग, आप किस किसके बारे में बोल रहे हैं? हम इनके खिलाफ हैं, इनको मारेंगे,
बाकी नजायज नहीं मारेंगे, ऐसा नहीं इनकी तरह नहीं मारेंगे कि बिना बात के इनके साथ थोड़ा बहुत कोई टच रखता उसको बिना बात के ही मार दिया। जिसका कोई कसूर होगा, क्राइम में इन्वॉल्व होगा, उसको मारेंगे बिना बात के, नहीं किसी को मारेंगे। पंजाब में भी आप लोग लगातार कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करा रहे हैं, हिंदू नेताओं हिंदू लोगों की हत्या करवाने में आपका नाम आ रहा है, बम्बैया गैंग का, अरशद अल्लाह का। आप मेरी मेरी बात सुनो भाई, एक बताओ कौन सा हिंदू मारा है मैंने पंजाब में, कौन सा हिंदू नेता मार दिया मैंने? मेरे को कोई नहीं मारा। मैंने एक मारा था, उसने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की थी, उसको मारा है जरूर। अगर और कोई करेगा, कोई गीता भगवत गीता की करेगा, उसको भी मारेंगे, हिंदू भी हमारे भाई हैं, वैसी कोई बात नहीं है, मारेंगे सभी को मारेंगे। हमारे मुस्लिम भी भाई है, हिंदू भी भाई है, हमारे लिए चलते हैं, हम भी उनके लिए चलते हैं, सभी धर्मों के साथ हैं हम। तो अरशद अल्लाह, ये निज्जर की हत्या हुई थी कनाडा में, उस पे कुछ कहना चाहेंगे? उसके मैं तो उसमें क्या कहूंगा जी, वो भी इनका ही नाम आ रहा है, जो जो पता लग रहा है। ये तो कौम के भी गदार निकल रहे हैं आगे के आगे, जो पता लग रहा है। ये तो मैंने तो आपके साथ बात की रही इसलिए हिंदी में बात कर रहा हूँ, ये तो हिंदी में इंटरव्यू देता है, पता नहीं क्यों अपने आप को बराड़ कहता है, ये तो अपनी माँ बोली को भी भूल गया। ये तो वो कहते हैं ना, पुलिस के टट्टू बन चुके हैं एजेंसियों के। ठीक है, कुछ और कहना चाहेंगे अरशद अल्लाह? मैं तो जी यही कहना चाहता हूँ कि इसने बोला था मुझे नशेड़ी, मैंने तो कोई नशा कभी किया नहीं है ना, आज तक नहीं नशा किया। इसके बारे में मुझे सब पता है, क्या क्या ये फूकता है, क्या क्या पीता है। लेकिन गोल्डी बरार तो कैलिफोर्निया में इस वक्त बताते हैं। कोई बात नहीं जी, कहीं भी हो कोई बात नहीं, उसको एक बात बोल देना, अगर आपकी कोई बात हो उसको बोलना कि तेरे को पोस्ट में भी लिखा है, अगर कोई मन हुआ ना तो कभी बताना, सीधा मिलेंगे आकर खुद। अगर एक बाप का हुआ, दो का हुआ तो ना आए, अगर एक का हुआ तो खुद आए, बिना बात के ना बातें मत करे। कभी बोलता है सुखा मैंने अपने हाथों से हमारा ऐसा किया वैसा किया, हमारा भाई था वो धोखे में लेकर उसको मारा है साथ ले जाकर, उसको पता नहीं था, वो जो उसको जानते ना वो थोड़ा बोला था भाई जी, इसलिए मर गया। कोई बात नहीं, बाकी हमारी जितनी लिखी है भगवान ने लिखी है, इन्होंने नहीं लिखी, इनकी जितनी लिखी है वो भी भगवान ने लिखी है, हमने नहीं लिखी। एक आपका बहुत खास एसोसिएट था, उसको भी भारत सरकार ने सफलता पाई है उसको डिपोर्ट कराने में, मनप्रीत पेटा, वो आपके आपके सारे ऑपरेशन देखता था फिलीपींस से। ऑपरेशन तो क्या होते हैं जी, ऑपरेशन क्या देखता था, भाई था, भाई है सभी जो हमारे साथ चलते हैं, हम तो भाई मानते हैं इनकी तरह, हम शूटर नहीं बोलते, हम आदमी नहीं बोलते, और बाकी हमें फुकरियां नहीं मारनी आती। तो अरशद अल्लाह, आप लोगों को हथियार कौन सप्लाई कर रहा है, आप लोगों के गैंग को पाकिस्तान से हथियार बुला रहे हैं आप भी ड्रोन के जरिए? कोई ड्रोन के जरिए नहीं बुला रहे जी, सभी कुछ मिल रहा है, जो जो चीजें ना ये बोलता है हम कुछ भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, इसको बोलो टैंक प्रोवाइड करे, बिना बात के फुकरियां मारी जा रहे हैं, हम कुछ भी प्रोवाइड करा लेंगे, ऐसा वैसा हम भी करवा सकते हैं जी। इसके पास एक एक के 47 दो आई होंगी, इतनी मेरे पास आई हैं, जो पिस्टल मेरे पास आते हैं इनके आदमियों ने सपनों में भी नहीं देखे होंगे। किस तरह के हथियार हैं आप लोगों के गैंग के पास? जो भी हैं जी चलते हैं, देखा करो जब चलते हैं कैसे चलते हैं, ब्रस्ट मोड पर। ठीक है, ठीक है अरशद अल्लाह। हाँ जी, ओके जी।